हेलो दोस्तों, अंजना के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज मैं आप सबको हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन के बारे में बताना चाहती हूँ। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा था नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का। उड़ीसा के बंगाली परिवार में जन्मे सुभाष चंद्र बोस एक संपन्न परिवार से थे, लेकिन उन्हें अपने देश भारत से बहुत प्यार था। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश के नाम कर दी। उनके जीवन की कुछ झलकियां इस प्रकार हैं। सुभाष जी का पूरा नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस था। इनकी माता का नाम प्रभावती, इनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस, इनकी पत्नी का नाम एमिली, इनकी बेटी का नाम अनीता बोस था। इनकी मृत्यु 18 अगस्त 1945 में जापान नामक देश में हुई थी। नेताजी का शुरुआती जीवन इस प्रकार था। नेताजी के साथ भाई, 6 बहनें थी। नेताजी अपनी माता पिता के 9वीं संतान थे। नेताजी अपने भाई सर चंद्र के बहुत ही ज़्यादा करीब थे। उनके पिता जानकीनाथ कटक के मशहूर और सफल वकील थे, जिनको राय बहादुर नाम की उपाधि दी गई थी। नेताजी को बचपन से खेल कूद में पढ़ाई में काफी रुचि थी। नेताजी कटक से स्कूली शिक्षा उत्तीर्ण की। उसके बाद वे कलकत्ता प्रेसिडेंसी कॉलेज में फिलोसफी में बीए किया। इसी कॉलेज में एक अंग्रेजी प्रोफेसर के द्वारा भारतीयों को सताया जाने पर उन्होंने विरोध किया। ये पहली बार था जब नेताजी के मन में अंग्रेजों के खिलाफ जंग शुरू हुई। नेताजी सिविल सर्विस करना चाहते थे, तब उनके पिता ने उनको इंडियन सिविल सर्विस की तैयारी के लिए उनको इंग्लैंड भेज दिया। इस परीक्षा में 4थे स्थान पर आए। सबसे ज्यादा नंबर इनको इंग्लिश में आए थे। नेताजी स्वामी विवेकानंद जी को अपना गुरु मानते थे। नेताजी को अपने देश से बहुत प्रेम था। वे हमेशा देश की आज़ादी के लिए चिंतित रहते थे, इसलिए 1921 में उन्होंने इंडियन सिविल सर्विस की नौकरी को ठुकरा दिया। भारत लौटते ही नेताजी स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में कूद गए। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ज्वाइन किया। शुरुआत में वे कलकत्ता में रहे। नेताजी चितरंजन दास जी को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। 1922 में चितरंजन दास और मोतीलाल ने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर अपनी स्वराज पार्टी अपनाई। जब चितरंजन दास पार्टी बना रहे थे, तो नेताजी ने कलकत्ता के नौजवान छात्र छात्राओं व मजदूरों को के बीच अपनी खास जगह बना ली थी। अब लोग सुभाष चंद्र बोस को नाम से जानने लगे। उनके काम की चर्चा चारों तरफ थी। नेताजी एक नौजवान सोच लेकर आए थे। 1928 में गुवाहाटी में कांग्रेस की एक बैठक के दौरान नए और पुराने मेंबर के बीच बातों के बीच मतभेद हुआ। सुभाष चंद्र और गांधी जी के विचार बिल्कुल अलग थे। नेताजी गांधी जी की अहिंसावादी सोच से सहमत नहीं थे। नेताजी की सोच नौजवान की थी। नेताजी लोगों की नज़र में गांधी विरोधी भी लग रहे थे, जिसके बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया। 1945 में विश्व युद्ध चल रहा था, तब नेताजी ने वहां अपना रुख किया। वे पूरी दुनिया से मदद लेना चाहते थे। ब्रिटिश सरकार ने उनको जेल में डाल दिया। जेल में लगभग 2 सप्ताह तक उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। इसी दौरान वे पूरी दुनिया में घूम चुके थे। इसी दौरान उन्होंने ऑस्ट्रिया की एमिली से शादी की। 1943 में नेताजी जर्मनी छोड़ साउथ ईस्ट एशिया मतलब जापान जा पहुंचे। वहां मोहन सिंह जी से मिले और उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। 1944 में नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ब्रिटिशियों को उन्होंने भारत छोड़ने पर मना ही लिया था। 1945 में जापान जाते समय नेताजी का विमान ताइवान में क्रैश हो गया था, लेकिन उनकी बॉडी नहीं मिली थी। कुछ समय बाद उनको
मृत घोषित कर दिया। भारत सरकार ने इस दुर्घटना पर बहुत सी जांच कमेटी भी बिठाई, लेकिन आज भी इस बात की पुष्टि आज तक नहीं हुई। आज भी इस बात पर जांच व विवाद चल रहे हैं। ये बहुत ही बुद्धिमानी व्यक्ति थे। नेताजी ने महिला ब्रिगेड भी बनाई थी। आज हम उनका 126 वर्ष एनिवर्सरी मना रहे हैं। हम 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में भी मनाते हैं और नेताजी हमेशा हम भारतवासियों के दिलों में राज करते हैं और राज करते रहेंगे। नेताजी की अगर ये जीवनी आप सबको पसंद आई होगी, प्लीज़ सब्सक्राइब मी चैनल। थैंक यू।